नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं लालगंज वार्ड नंबर 2 से वर्तमान पार्षद मोहम्मद शमशाद आलम। आलम जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आलम जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका। जी शुक्रिया। आलम जी, कैसा चल रहा है कार्यकाल आपका? वार्ड का कितना विकास हुआ आपके कार्यकाल के दौरान? बहुत बढ़िया विकास के मामले में जहाँ तक सवाल है तो मैंने सबके लिए आवास योजना प्रधानमंत्री के तहत जो है लगभग 376 लोग अभी तक दिया है मकान मैंने जी। और फाइनल आप आवास अभी तक जो है लगभग 150 लोगों को फाइनल आवास दे चुका हूं मैं। 250 लोगों को 1,70,000 रुपया मिल चुके हैं, क्योंकि बाकी जो लोग हैं अभी प्लास्टर वाला प्रक्रिया में है। जब प्लास्टर पूरा प्रक्रिया हो जाता है उसके बाद फाइनल किस्त दिए जाते हैं। जी जी। और पीसीसी के अंतर्गत कितना कार्य हुआ आलम जी, सड़कें और नालियों की कैसे? लगभग 4 रोड छोटे छोटे नली गली के बने हैं और बाकी टेंडर वर्क नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है। खासकर चूंकि यहाँ पे जो है जेई नहीं होने के कारण पहले सरकार के द्वारा संविदा कर्मी जो जेई होते थे उनके द्वारा ही काम कराया जाता था, लेकिन अब जो सरकार का नियम आ गया है जो परमानेंट जेई है उन्हीं के द्वारा काम किया जाएगा। तो परमानेंट जेई हमारे नगर परिषद लालगंज में नहीं है, जिसके कारण सारे जो वर्क है सारे जो काम है विकास के वो ठप पड़े बैठे हैं। जी जी। नल जल योजना की क्या स्थिति है, उसमें कितना कार्य हुआ होगा? क्योंकि पिछले साल मैम नल जल में जहाँ तक सवाल है कि पिछले साल लालगंज में बाढ़ आ गया था ये मालूम है, और बाढ़ आने के कारण बहुत सारे वार्ड डिस्टर्ब हो गए थे और खासकर हमारा वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 1 में काफ़ी जल जमाव हो गया था, जिसके कारण जो है जेसीबी वगैरह से पानी निकासी के लिए खुदाई हुआ, जिसमें सारे नल जल के जो पाइप होते हैं वो सब कवर गए थे, टूट गए थे जी। लेकिन फिर से उसको सुचारू रूप से, चूंकि पानी अभी सूखा है, 1 महीना पहले लगभग सूखा है पानी, तो फिर से उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए नल जल का जो काम है चल रहा है। मोटा मोटी 50% लोगों तक पानी हमारे वार्ड में पहुँच चुकी है, 50% लोग अभी भी बचे हुए हैं जो कार्य चल रहा है जी। अच्छा, जल जमाव की जो आप बात बता रहे थे तो इस वक्त जल जमाव बिल्कुल खत्म हो गया है समस्या आपके वार्ड से? जी अभी जल जमाव तो खत्म हो गया है, जल जमाव अभी है नहीं लालगंज में, लेकिन चूंकि जो नाला वगैरह का जो समस्या है लालगंज में पानी निकासी का जो समस्या था पूर्व में जी, अभी वो समस्या है और कस के अगर बारिश आ जाती है तो पानी छोटे छोटे जगहों में लग जाती है, क्योंकि पहले क्या था कि जगह पूरा खाली था और पानी आसानी से निकल जाया करता था, लेकिन चूंकि अब छोटे छोटे पुल पुलिया सब बंद हो गए हैं, मकान वगैरह जो है बन गए हैं, चूंकि पहले देखा करते थे खेत वगैरह खाली हुआ करता था, लेकिन जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है मकान का तादाद बढ़ रहा है जिसके कारण जो है छोटा छोटा पुल पुलिया वगैरह जाम हो गया है, जिससे पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण छोटी भी बारिश होती है जिसके कारण समस्या हो जाता है कि जल जमा हो जाता है जी। मतलब अभी ये समस्या बनी हुई है, अभी जल जमाव बिल्कुल समस्या बनी हुई है, चूंकि जब तक सही से लालगंज में जो है पानी का निकासी नहीं होगा, और मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लालगंज का जो है सही से DPR बनवा कर जो है यहाँ के जो है खासकर जो पानी जल निकासी का जो मामला है उसके समस्या को दूर कराया जाए, क्योंकि पिछला साल चूंकि तो आपदा था, कभी लालगंज में बाढ़ आया नहीं था, लेकिन नहर टूट जाने के कारण जो है पानी आ गया था लालगंज में, ऐसा कभी नहीं हुआ था 1869 से नगर परिषद लालगंज, लेकिन अभी तक ऐसा कोई समस्या हुआ नहीं था, लेकिन चूंकि अचानक जो है अत्यधिक बारिश के कारण और नहर टूट जाने के कारण पानी आ गई थी, ऐसा जल जमाव होता है, थोड़ा सा जल जमाव होता है, पानी का निकासी में परेशानी है लालगंज में, लेकिन मोटा मोटी पानी निकल जाती है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं निकल पाती है, इसलिए जल जमाव हो जाता है जी। अच्छा, राशन की क्या स्थिति है, लोगों को अनाज वगैरह का वितरण समय पर हो जाता है? हाँ हाँ, राशन कार्ड जो है कुछ बंद हुए थे बीच में वेरिफिकेशन के कारण, ठीक है, कुछ लोग के नाम में त्रुटि के कारण जो बंद हुए थे, लेकिन अभी जो है सब मैंने जो है फॉर्मेट को वहाँ पे जो है जो हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं उन्होंने एक फॉर्मेट दिया था, उसके जरिए से सभी का राशन कार्ड का छाया प्रति, आधार कार्ड का छाया प्रति लगा के मैंने दिया है, तो फिर वो चालू हो गया है और समय दर समय राशन का वितरण होता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है जी। आप पेंशन का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है इस वक्त बाढ़ में? पेंशन का लाभ लगभग 400 ऐसे घर, 400 ऐसे लोग हैं जिनको जो है पेंशन का लाभ मिल रहा है अभी, ठीक है, कुछ लोग को जो है उम्र नहीं पूर्ण के कारण नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ लोग का फिंगर नहीं देने के कारण जीवन प्रमाणीकरण जो होता है
जिसके कारण रुक गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी जीवन प्रमाणीकरण दे रहे हैं और उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। 3-4 महीने से इधर पेंशन नहीं आ रही थी, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले कुछ लोगों को 1-1 महीना का पेंशन शायद आया है, पता चली है। जी, कितने वर्षों से सक्रिय हैं इस वार्ड में आलम जी? जी, मैं 2017 में चुनाव लड़ा था, मैंने कभी भी जीवन में फील भी नहीं किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लोगों का विश्वास और मेरा कार्यशैली को देखकर लोगों ने विश्वास किया कि एक बार इनको मौका देना चाहिए। लोगों ने मौका दिया और मैं तत्पर रहता हूँ। लोग अगर 12 बजे रात को भी मुझे बुला दे, चूँकि जनता ने मुझे सेवक बना के चुना है, शासक बना के नहीं चुना है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि जहाँ तक हो सके लोगों का सेवा करूँ। और खासकर मैं कभी जो लोग हमारे वार्ड में मर जाते हैं, कोविड अंत्येष्टि के तहत 3,000 रुपये दिए जाते हैं वो बीपीएल परिवार को, वो समय पर मैं पहुँच के लोगों को पहले दे देता हूँ, ताकि लोग जो है उससे अपने दाह संस्कार में जो उनको मुहैया होती है बिल्कुल उपलब्ध कराई जाती है। जी, तो कितना विश्वास लग रहा है आलम जी कि एक बार फिर आगे भी लोगों का सहयोग मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ है, और क्यों ना रहे आशीर्वाद, खासकर महिलाओं का जो है जागरूकता है मेरे प्रति कि ये जब से आए हैं तब से जो है हम लोग को कहीं ना ब्लॉक दौड़ने की जरूरत पड़ती है, न कहीं नगर पालिका दौड़ने की जरूरत पड़ती है। और चूंकि जो मर्द होते हैं वो तो अपने काम पे चले जाते हैं, किसी भी काम कराने के लिए अगर ओबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, हरिजन वर्ग है, तो उसमें जो होता क्या है कि जो महिलाएं होती है उनको शिक्षा का अभाव होता है, और शिक्षा का अभाव होने के कारण जो है वो काम करा नहीं पाती है, वो कभी ब्लॉक दौड़ती है, कभी नगर पालिका दौड़ती है। तो वैसे लोगों जिनको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैंने तत्पर काम किया है, घर पहुँच कर काम किया है, लोगों को सेवा देने का काम किया है, और ये आप हमारे वार्ड से भी समझ सकते हैं लोगों से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, शुक्रिया आलम जी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि वार्ड के लोगों का क्या कुछ कहना है वार्ड के विकास को लेकर। लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। इस वक्त हम हैं वैशाली के लालगंज वार्ड नंबर 1 में, और वार्ड में क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है ये जानेंगे हम यहाँ के ग्रामीण से, यहाँ के जनता से, यहाँ के लोग से। आइए, क्या नाम है चाचा? राजेंद्र पासवान। राजेंद्र पासवान, कितना नंबर वार्ड है ये? 2 नंबर है। अच्छा, वार्ड पार्षद? क्या, शमशाद आलम। वार्ड नंबर 1 के हैं वो ना? नहीं, यही का है। 2 के हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो कैसा काम किए हैं? काम अच्छा किए हैं। घर और मिला है? हाँ मिला है। और कैसे व्यक्ति हैं वो? अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ। पेंशन वेंशन मिलता है आपको? पेंशन हमको मिलता है। मिलता है, कितना मिलता है पेंशन? वो वृद्धा पेंशन? हाँ हाँ, वृद्धा पेंशन हमारे परिवार को मिलता है। आपको नहीं मिलता? कहाँ हम बाहर रहते थे इसलिए हम छूट गया, नहीं मिला। आवास वास का पैसा पूरा मिल गया? आवास के पैसा एगो मिला है। कुछ पैसा का भी डिमांड करते हैं क्या पार्षद साहब? लड़का को मिला है। पूरा पैसा मिल गया है? हाँ मिल गया है। पैसा ऐसा नहीं ना मांगा जाता है? नहीं। और बाथरूम? बाथरूम नहीं है, बाथरूम अपना से बनाया है। बाथरूम को कुछ नहीं मिला? अच्छा अच्छा, बंद कीजिए। आई चाची इधर आई, तनी आई आई। पेंशन मिलत बा? हाँ, 470 रुपया मिलत। हर बार मिल जाला? हाँ मिलत, तब एने करी तो न उठली, ने बंद है कि काहे से न उठैली। नहीं मिला, मिल जाले, महीने महीने मिलल है। आपके वार्ड पार्षद का नाम क्या है? शमशान। काम हम करते हैं कैसे? हाँ, ही हाँ, बढ़िया काम करते हैं। आते हैं मिलने के लिए? हाँ हाँ हाँ, मिलने आते। तो पार्षद हम देखा ही नहीं ऐसा। शमशान आलम है कि झमका दिलक नगर में, बढ़िया है, अच्छा है। नाली गाली बनाए हैं? बनेगा। घर मिला है कि नहीं? घर घर हाँ, घर मिला है। पैसा पूरा मिल गया? किस्त? हाँ मिल गई, सब किस्त मिल गया। हाँ। बाथरूम? बाथरूम के अखिन ना मिलक। बाथरूम नहीं मिला है? ना अखनी ना मिला। अच्छा ठीक। नाम भैया? रामजी पासवान। कौन है वार्ड पार्षद आपके? मोहम्मद शमशाद। कैसे व्यक्ति हैं? ठीक है। सुने पैसा वैसा लेते हैं? ना ना। अरे हम तो सुने ना पैसा सर नहीं लेते हैं। ना। आवास का पैसा मिला है? हाँ मिला है। पूरा किस्त मिल गया? पूरा मिल गया। अच्छा अच्छा, बाथरूम का? हाँ मिल गया। नली गली सब कंप्लीट है? मतलब नाला का बहुत दिक्कत है। अच्छा, नाला का दिक्कत है। सब काम करते हैं बढ़िया से? मतलब हाँ बढ़िया से काम करते हैं। नाला का ही दिक्कत। क्या नाम हुआ चाची?
सुधा देवी। सुधा देवी, वार्ड पार्षद कौन है आपके? मोहम्मद शमशाद आलम। काम करते हैं क्या? हाँ। रोड तो टूटा टूटा दिख रहा है। हाँ, रोड ठीक है, नाला के प्रॉब्लम। नाला का प्रॉब्लम है। आवास वास मिला आपको? हाँ मिला। पैसा मिल गया? हाँ। तीनों किस्त? हाँ। सुने चार किस्त मिल रहा पैसा इधर? सर तीन किस्त में तो मिला है। पूरा किस्त मिल गया आपको? हाँ, पूरा मिल गया। चारों किस्त मिल गया? हाँ। मतलब वार्ड पार्षद से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, शिकायत नहीं है, नाला के लिए प्रॉब्लम। बस नाला का शिकायत है। चलिए धन्यवाद। भैया अवधेश कुमार। कौन है वार्ड पार्षद आपके? मोहम्मद शमशाद आलम। काम करते हैं? बहुत बढ़िया। कैसा ही बोल रहे हैं? ऐसे ही काहे बोलेंगे, काम हुआ है तो बोलेंगे। अच्छा अच्छा, काम करते हैं। घर और मिल गया सब? हाँ हाँ। चारों किस्त? हाँ मिल गया। नाली गली? नाली का वही परेशानी है। सुने के बाथरूम में पैसा खा रहे हैं 2000 रुपया? कुछ नहीं है। बाथरूम में पैसा नहीं बोलेगा? गजब, झूठ बोल के क्या होगा? अच्छा, अब मकान में 20000 रुपया? कुछ नहीं, वो तो निधरक एक तरफे से सब आदमी को काम कर रहे हैं। सब किस्त दे रहे हैं? जी। 20000 वाला झूठ बात है? झूठ बात है। सही बात है ना? झूठ बात है, किस्त वाला इसे सही एक काम कर रहा है। 20000 रुपया लेते हैं मकान देने पर, सही है गलत है? गलत है। कंफर्म ना? कंफर्म। ठीक, चलिए आइए। मत बोलिए। नहीं मिलता है, टाइम पे मिल जाता है। हाँ। वार्ड पार्षद कौन है आपके? कमिश्नर साहब के नाम बताओ। ओ कमिश्नर साहब, शमशाद बोलाओ। शमशाद, शमशाद। काम हम करते हैं? हाँ बढ़िया से काम करते हैं। पैखाना वखाना मिला है? हाँ सब चीज मिला है। पैसे से मांगते हैं? नहीं नहीं मांगते हैं। कंफर्म ना? हाँ कुछ नहीं, बहुत काम करते हैं। नली का तो शिकायत आ रहा है? नहीं, हाँ नहीं है, देखिए पानी की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है। नल नहीं आता है ना? जो आता है सुबह शाम, वही इतना पानी आ जाता है। पानी नल में आता है? हाँ आ जाता है पानी। हाँ इतना पानी, नली भर पानी, सब लोग छोड़ के भाग गया। निकासी का कोई जगह नहीं है? नहीं नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? प्रेमी दलाव। आपका क्या नाम हुआ? बेबी देवी। पार्षद जी कैसे हैं? ठीक है। काम करते हैं? हाँ। तो इस बार क्या फिर लाइए क्या उन्हीं को? हाँ उनके लाएंगे। कंफर्म है? हाँ। राहुल पासवान। पासवान जी, सुने कि पार्षद साहब आपके मुखिया जी जो हैं आवास में 20000 रुपये ले रहे हैं? नहीं ये बात नहीं है। देखिए फिर हाँ सर, झूठ बोल रहे हैं क्या? ये बात नहीं है, 20000 नहीं लिए हैं। कितना लिए हैं? 10000। ना ना नहीं लिए। 10000? नहीं नहीं लिए हैं। नहीं लिए ना? नहीं। कन्फर्म है ना? कन्फर्म है। अच्छा नली गली बना है? नली है यहाँ तो। पीसीसी बना है ना? पीसीसी तो दिख रहा है। पीसीसी है इनका रीजन का? पीसीसी नहीं। अच्छा अच्छा, और कैसे हैं पार्षद जी? पार्षद साहब कैसे हैं आपके? मिलने उलने आते हैं? हाँ मिलने रोज आते हैं, तो सुबह शाम आते हैं रोज। कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। तो इस बार मतलब ठोक के मतलब उन्हीं को? हाँ आना ही है। हाँ उनको आना ही है। चलिए तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 2 लालगंज से शमशाद आलम, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने वार्ड के विकास के लिए हर तरीके से कार्य किया है। नल जल योजना हो या आवास योजना हो, लोगों को लाभ पहुंचाया है। बढ़ चढ़कर अपने वार्ड में सक्रिय रहते हैं, लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनकी ज़रूरत पर हमेशा खड़े रहते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरीके से कार्य किया है, लोग उनको अपना जनप्रतिनिधि एक बार फिर अवश्य चुनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि इस वार्ड में जल जमाव की समस्या हो जाती है तो नालों के निर्माण पर यथाशीघ्र ध्यान दें, जिससे कि इस समस्या से लोगों को निजात मिले। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।